चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में चलते हैं। बताइए जैनुल आबिदीन, क्या कर रहे हैं आप? सर जैसे कि आज ये हमारे पास सेट है MI4i, इसमें जो है हैंग उन लोगों की प्रॉब्लम है। ईएमएम से प्रोग्राम करनी है आपको? आप इस लायक कहीं से कर लेंगे, आईसी उतार के रिबॉल करके प्रोग्राम करके वापस लगा देंगे। लगा देंगे, चलिए लगा के दिखाइए। चलिए देखिए, हमारी IC बन के तैयार हो चुकी है। अब क्या करना है वो समझ लेते हैं। इसको हम MMC को हटाकर साफ़ करके अपने इसमें बॉक्स में लगा लेते हैं, ठीक है। इसका EZTEC का एडाप्टर है और इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे ये सारी डिटेलिंग आ जाएगी। जब ये डिटेलिंग आ जाती है तो इसका मतलब है सेट ने MMC को, इन्हें यानी कि हमारे बॉक्स ने इसको पकड़ लिया है, ठीक है। बॉक्स को पकड़ लेने के बाद में अभी क्या करना होता है, इसमें थोड़ी सी कुछ फाइलें होती हैं वो हमें रीड करनी होंगी, जैसे कि IMI वगैरह की सिक्योरिटी फाइल्स हैं, वो हमने इसकी सेव करनी है। तो उसके लिए हमें जाना होगा रीड बाय वेंडर ऑप्शन पे, और एक है रेड बाय वेंडर। तो हमें रीड बाय वेंडर में आना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके, जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक उसको रीड कर लेगा। ये देखिए, ये रीडिंग इसने कर ली और ये सारी फाइलें जो जो इसमें मौजूद हैं वो सारी फाइलें यहाँ पर आ चुकी हैं। यानी अभी MMC के अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी हमें एक रीड करके फोल्डर बनाने के बाद में सिंपली एक हमें एंटिक करना पड़ेगा यूज़र डाटा का। ये यूज़र डाटा एंटिक इसलिए करते हैं, नहीं तो हमारी फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी और बहुत टाइम ले लेगा प्रोग्रामिंग में। जैसे ही रीड पर क्लिक करेंगे एक फ़ोल्डर यहाँ पर मांगेगा कि सेट का जो भी डाटा आप रीड कर रहे हो उसे किसी फोल्डर में सेव करने को बोल रहा है। हम एक उसी सेट के नाम से एक फ़ोल्डर बना देते हैं ताकि जितने भी हम सिक्योरिटी बैकअप इसका ले रहे हैं IC का, वो सब उसमें जाके सेव हो जाएगा और ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे ये पूरा प्रोसेस चल पड़ेगा और ये सारी फ्लैशिंग इसकी जितनी भी डिटेल है सारी ऑटोमेटिक ले लेगा। मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड में डिटेल डाली है, नहीं तो ये आधा घंटे में हुई है सारी। ये डन हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, एडवांस में आना है। यहाँ से एडवांस में आने के बाद में हमने इसको फॉर्मेट मारना है MMC को। MMC को फॉर्मेट मारते ही फॉर्मेट लग जाएगा और ये भी सक्सेसफुल हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब क्या करना है, अब बता देते हैं अब क्या करना है। अब आपको एक बार चेक MMC कर लेना है, ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। इसको इन्फॉर्मेशन को लेने देते हैं थोड़ा सा, ये इसको IC को डिटेक्ट कर रहा है, चेक कर रहा है। इसके बाद में क्या करना है, आप इसको आ जाइए, दिखा देता हूँ कौन सा ऑप्शन है। अब आ जाइए MMC पार्टीशन में, इस वाले ऑप्शन में MMC हार्डवेयर पार्टीशंस, और यहाँ क्लिक करके कुछ नहीं करना है, सिंपली ये कुछ 4 क्लिक है 5 क्लिक, यहाँ पे ये राइट के एरो लगे होने चाहिए और आपको राइट करना है। राइट करेंगे ये भी प्रोग्राम हो जाएगा। ये भी काफ़ी टाइम का काम है लेकिन ये बहुत फास्ट करके मैंने वीडियो काट दी है, जो प्रोसेसिंग की वीडियो थी। ये भी फाइनल हो गया, बस इतना सा, सक्सेसफुली आ गया सक्सेसफुली। इसके बाद में क्या करना है, आपको आना है वापस राइट बाय वेंडर में। जो भी CPU होता है वो सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि जो सेट था इसका क्वालकॉम CPU है तो मुझे यहाँ से क्वालकॉम लेना है। सैमसंग का सेट है तो सैमसंग का CPU सेलेक्ट करना है। जो भी है, मीडिया टेक है, जो भी है,
तो वही सीपीयू आपको सेलेक्ट करना है फ़ोन का, बस इतना सा काम करना है। तो मेरा क्वालकॉम है, मैंने क्वालकॉम कर लिया, और जो फाइल रीड की थी वो वापस इसमें चढ़ानी है, ये यहाँ से लेके जो मैंने फोल्डर बनाया था इसका MI4i का था, तो जहाँ वो डेटा मैंने सेव किया था वहीं पे जाना है वापस, और एक फ़ाइल यहाँ से वही वो जो फाइल सेव हुई थी वो ये थी, इसको ले लिया हमने। लेते ही ये खुद ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और वापस फाइनली आपको राइट पे क्लिक करना है। यहीं पे क्लिक करते ही ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। यस कर दीजिए यहाँ पर, और ये भी बहुत टाइम का काम था, मैंने इसको वीडियो को कट करके छोटा कर दिया, ये ऑल डन, वरना ये 15-20 मिनट में होता। इसके बाद में सेट को फ्लैश कर देंगे इस वाले सॉफ्टवेयर को खोल के, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद में जैसे ही कनेक्ट करेंगे फिर से ये MMC को रीड करेगा और डिटेल पड़ेगा इसकी, फ़ोन की MMC की डिटेल पड़ रहा है सारी। तो ये सारी डिटेल आ रही है इसकी, कौन सा ब्रांड है, कौन सा वेंडर है, डिवाइस का क्या नाम है, सब आ रहा है। और यहाँ से आपको इस ऑप्शन पर जाना फ्लैश पर, फ्लैश में आने के बाद में आपको सिंपली यहाँ से इसका फोल्डर उठाना है, फ्लैश फाइल में से ढूंढ लेते हैं हम हमारी फ़ाइल कहाँ है। अब आपको सिंपली फ्लैश फाइल जो नॉर्मली नेट से उठाते हैं आप, उसी फाइल से फ्लैश करना है, बस सिंपली ये ले लिया हमने, और इसके बाद हम इसको फ्लैश कर देंगे। ये फ्लैश चलने लगी, ये भी थोड़ा लंबे टाइम में लगी, 15 मिनट लगे थे, लेकिन मैंने इसको भी वीडियो को कट कर दिया प्रोसेसिंग की। अभी यहाँ पे मेरी फ्लैश हो गई, ठीक है। सिंपली क्या करना है, MMC को वापस सेट में लगा देते हैं, चलिए देखते हैं पूरी डिटेल ही दे दो। वेरी गुड, ताली बजाओ भाई लड़के को, चलो उठाओ इसको। चलो जियान अब्दुल, क्या नाम है तुम्हारा, जैनुल आबेदीन, बताओ इसमें फिर कैसे करा प्रॉब्लम को सॉल्व। सर हमने इसे MMC को उतारा, प्रोग्राम करा, उसके बाद दोबारा MMC लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब प्रॉब्लम आईसी तो लेवल पे बिल्कुल फिट हो। जी बिल्कुल। चलो वेरी गुड, इसे यहीं रख दो, चालू होने देते हैं।